एक दफा दोबारा फरमाइश पे साड़ी फरमाइश से जरा सीटी मार। अब आप हाथ डालें पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ है सीटी मार, निशाना मार, मारना मार, मैं तेरा मेहमान। कराची में अगर किसी से रास्ता पूछना हो तो कहते हैं क्या बताते हैं, यहाँ से निकलें, सामने मेहमान टावर आएगा, फिर राइट साइमा ट्रेड आएगी, फिर वहाँ से साइमा ट्रेड से मुझे याद है महंगाई इतनी भी नहीं जितनी हम लोग बातें कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है मुस्तफा, वहाँ किस चीज के रेट बढ़े हैं? ट्रेड बढ़ा है। लाइक हाउ माई पैनल थिंक्स, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपकी सोच और मेरी सोच आपस में कंसाइड नहीं करती। नहीं, आपने कभी किसी साइमा से ट्रेड किया था क्या? कोई लॉस हुआ था या कैसे आपको याद है? I lost साइमा during the process. कराची वाले तो फिर भी रास्ता बता देते हैं, पूरा लाहौर आप कहीं से भी रास्ता पूछ रहे हैं। नहरो नहर मेरे याद है, सानू नहर वाले पुल से बुला के डॉक्टर साहब आए हुए, इन्हें बुला लिए आपकी तालियों में डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब की आंख से नजर लग गई, डॉक्टर साहब आंख, वाह वाह। मतलब आप जब भागते हुए आते तो हम डर जाते हैं। तुम की खांदे हो सर? डॉक्टर साहब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। वो एक हमारा भाई कैमरे पे खड़ा हुआ है, कैमरा आपकी तरफ है, खुद वो आसमान पे चांद ढूंढ रहे हैं कि बड़ी ईद का चांद नजर आया कि नहीं आया। ऊपर क्या देख रहा है मेरा भाई, कल से इसकी ये रात घर पहुंचे ना तो ऐसे सोए भाभी कहती किधर था। हाँ जी भाई, तो आज डॉक्टर साहब मैं बात कर रहे थे मेकअप रूम में, मैं कह रहे मैं महंगाई की शिकायत कर रहा था कि जिस तनख्वाहों में हमारी टीम है, यू टॉक टू द पीपल यू फाइंड आउट गुजारा नहीं होता। डॉक्टर साहब ने कहा सब झूठ है। क्यों डॉक्टर साहब, आपने क्यों कहा ये? अभी जो है एक रिसर्च आई है, वो हामिद मीर साहब ने जो की है, नहीं वो दुनिया में हुई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अच्छा एक मिनट है, आप वोट कर लेते हैं? मैं तो कहता हूँ नहीं है, दुनिया वालों के लिए जो डॉलर्स में कमा रहे हैं। थैंक यू, ओवरसीज पैकेज, यस, इसलिए तो ओवरसीज पाकिस्तानी इतना खुश है। डॉक्टर साहब वैसे ये तो है, मेरे तो जितने दोस्त थे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आधों से मेरी लड़ाई हो गई है और आधे मुझसे बात ही करना पसंद नहीं है। वो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो अमीर हो चुके होते हैं, मजीद अमीर हो चुके होते हैं यार। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी अक्सर ऑनलाइन आकर कहते हैं हमें पाकिस्तान के लिए बड़ा दुख है, अल्लाह हमें भी ये तौफीक दे कि हम कनाडा में बैठ के पाकिस्तान के लिए दुख। आमीन। बेटा ये सादिक और अमीन आजकल ना बोलो फंस भी सकते हो। मैं डॉक्टर साहब सीरियसली, क्या व्हाट इज द फंडामेंटल के पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है? दी, उनका उनका तरीका होता है कि उन्होंने एक यूनिवर्सल एक करेंसी लेनी है, उस करेंसी से देखना है कि किस किस मुल्क में खाने की चीज़ें और दूसरी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। ओके सर, दूसरी चीज़ों में क्या क्या है खाने के अलावा? दूसरी चीज़ों में पीना भी है। पिन्ना, ये पिन्ना वो पतंगों वाला लोहा ने बता दिया। इस हिसाब से जो कराची है वो दुनिया का सबसे सस्ता। मैं हमेशा से सोचता था, मैं हमेशा सोचता था ऐसे ही कुछ है, लेकिन फिर मैं शीशा देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बिजली के बिल, आपको पता है तकरीबन कमर्शियल बिल्डिंग में या दुकान पे या बिजनेस पे जहाँ आप कराची इलेक्ट्रिक से बिजली खरीद रहे हैं, यूनिट वेरीज फ्रॉम 40 रुपीज टू 57 रुपीज। सर इस पे शायर ने भी क्या खूब गाया कि ए है पाकिस्तान दी बस्ती, यहाँ पर मतलब क्या सस्ती तो महंगा क्या हो। शायर ने ये कहा था, हम मस्त हैं अपनी मस्ती में, क्यों जाएं गैर की बस्ती में, जहाँ कदर नहीं इस हस्ती की, आ आ ओ उस बस्ती। एक वो चीन वाला भी शेर था कि पता नहीं मीलों मील उड़ती रही और जापान क्या क्या बना रहा है। नहीं, वो है क्या क्या बना रहा है जापान दोस्ती में, दोस्ती। हाँ ये वो कलाम है जो छप ही नहीं सके सर, इतनी व्यक्ति हुई। हाकिम में क्या? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस शायद इसलिए कहते हैं कि उसे भी ट्रैक पर रखने के लिए पूरा महकमा चाहिए। बास के ख्याल में उसे रावलपिंडी एक्सप्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी हर स्टेशन से सवारी उठा लेता है। आप उसको सवारी कहते हैं डॉक्टर जी, ठीक है। शोएब अख्तर की गेंद इतनी तेज होती है कि नजर ही नहीं आती, अंपायर को लगता है इसने गेंद करवाई ही नहीं, वो तो बैट्समैन की हड्डी टूटने से पता चलता है बाल करवाई थी। शोएब अख्तर की बॉलिंग के लिए भागने की स्पीड भी इतनी तेज है और ये स्पीड और भी तेज हो जाती है अगर किसी खातून से गपशप लगाते उसे दूर से बीवी आती नजर आ जाए। ऐसे तेज लोग होते हैं जो शादी से पहले वलीमा कर लेते हैं। बोलने का अंदाज ऐसा जारहाना है कि किसी से नंबर मांगे तो वो मोबाइल ही दे देता है। जिसमें ऐसा मजबूत लगता है ट्रेन की बोगी को बाजू लगे हुए हैं। शोएब अख्तर इतना मुंह खोल कर हंसता है
कि उसका डेंटिस्ट उसके मुंह के अंदर बैठकर उसके दांत चेक कर सकते हैं। जब जरा शोहरत कम होने लगे खुद पर बैन लगवा कर फिर से मशहूर हो जाता है। ऑटोबायोग्राफी लिखते वक्त बंदे को जिंदगी में आखिरी मौका मिलता है वो सब करने का जो उसने नहीं किया। कॉन्ट्रोवर्शियली यूज। गुस्से का इतना तेज है कि कई बार उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आता है कि उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। शुएब अख्तर का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है कि दूसरा बेख्तियार हंस पड़ता है क्योंकि उसको पता है शुएब अख्तर के हाथ भी बहुत लंबे हैं। जिस लगन से वो यूट्यूब चला रहा है लगता है पाकिस्तान के कर्जे उसी की कमाई से उतरेंगे। कन्विंसिंग पावर ऐसी है कि काटने वाले कुत्ते को बुला कर उसको कन्विंस कर लेगा कि काटना नहीं सिर्फ भौंकना है। और यही नहीं वो भौंकने वाले कुत्ते को काटने पर भी कायल कर सकता है। ये आपने उसका शो देख के देखा था। शुएब अख्तर एक लिविंग लीजेंड है कहना पड़ता है वरना वो मुंह तोड़ सकता है। आज जो मेहमान है वो गए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है इस पे ये रन। पहली दफा आपने जो है ना रन जो है उसकी तज़किरो तानीस जो है ना उस पे गलती की है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो RUN वाला रन कहा था कि मुझे पता है इनके आने के बाद ना मुझे दौड़ने की जगह नहीं मिलने वाली है। इनका नहीं इनका मर्तबा और मकाम तो जो है मेरे पीरो मुर्शिद है मेरे उस्ताद मोहतरम है। मैंने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें सीखी हैं इनसे और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अप्लाई की थी मैं पढ़ाया गया। प्लीज़ वेलकम खालिद अनम भाई। पीरो मुर्शिद जो है ना अल्लाह ताला ने इनके हाथ में स्कैनर्स लगाए हैं अब आप गेस करें वो कैसे। अच्छा जी पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं इट्स एन ऑनर फॉर मी इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू ऑल। प्लेयर इज देयर बट इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ गाड़ी पे आ रहे थे मैं आपका तारुफ करा रहा था डॉक्टर साहब कहने लगे तेन यकीन है ये शो करेंगे। चादर है ब्लैक बोर्ड नहीं है। मैं मुस्तफा बोले यार मुस्तफा तुझे अंदाजा नहीं तू कितने खतरनाक जगह पे हाथ डालने वाला। ये मैंने पीरो मुर्शिद किया कि सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया है। नहीं मुस्तफा इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज। थैंक यू सर। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वर्क व्हाट ही डज। बहुत माशाल्लाह अल्लाह आपके काम में और तरक्की दे। ग्रेट वर्क यू बोथ योर ब्रदर्स आर जो आप लोग कर रहे हैं ना बहुत अच्छा काम। एंड दिस इज अनदर इंस्पिरेशन दिस किड सिटिंग ओवर हियर। इन्होंने गोद ले लिया मुझे मुंह बोला भाई। अच्छा लेकिन मुंह बोली बहन ये किसी को नहीं कहता। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आपने इस लड़की के साथ काम किया वो सबसे राइट पे जो बैठी है। मैंने नहीं इन्होंने मेरे मियां के साथ बहुत काम किया। अल्लाह तेरा शुक्र है किसी दिन तुमने नहीं भी कहा ये मोहसिन तलत की हम रोजा मेरा जान है। आप हमारी बेटी हैं अगर आप मोहसिन की बीवी हैं मोहसिन मेरा भाई है छोटा तो मैं तुम्हारा जेठ हुआ इस नाते से ठीक है। हाँ बस सही है उस्ताद मोहतरम पहले ये दसो ये चादर का तो चादर तेरी भाभी ने मैनू उड़ा के यूजुअली जब आप मेरे पास आ रहे हो तो कोई इमाम जामिन बांध के ये अली सलमान के पास जाना तो ये आप जरूर पहन के जाएं। अच्छा जी खालिद भाई की जो शादी है ना ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बहनोई हैं कि तमीना भाभी मेरी भाभी है बट मेरे तो देर लव फॉर मी तो वो कह रही थी मेरे नाल ब्याह कर ले मेरे हाथ से रिश्ते आ रहे ने ब्याह कर ले रिश्ते आ रहे ने ये कहते थे हो जाएगा की छेती है। एक दिन क्या सरकारी अफसर का रिश्ता आ गया आ गया हैं फिर शुरू में तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार सरकारी अफसर कुछ हमारा भी कोई रिश्तेदार बन जाएगा। तो लेकिन जब वो मैं फिर चला गया काफी सारी समंदर में जा रहे रनिंग करने चला गया समंदर रन आप समंदर जा रहे तो बड़ा परेशान हुआ। पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि दोस्त को अपने आप से दूर नहीं करना। दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं एक उम्र गुजरती है दोस्त के साथ सो मुझे लगा कि कुछ भी हो दोस्त को दूर नहीं करना चाहिए। तो मैं जब वापस आया और मैंने बस रास्ते में दुआ करता है कि अल्लाह उसको सरकारी लोग ना पसंद हो और वो सरकार को रिजेक्ट कर दे तो यही हुआ शुक्र है तो सरकार राज नहीं चल सका। नहीं चल सका लेकिन जमहूरियत आज आप हल्फ उठा के बोले कि जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे उस दिन आपके साथ बीच में क्या हैंड हुआ था। नहीं हुआ था आपको दोस्त याद आ गए। नहीं यार वो दिल ही ना लगा हाय हाय ये सोच के कि आई एम गोना लूज अ फ्रेंड एंड अ फ्रेंड लाइक दैट
So whenever you are about to lose a friend, you marry. Yes, yes. That's the key to success. अच्छा यार नहीं मतलब not always but once. नहीं नहीं whenever. शुक्र करें उन्होंने आपकी दोस्ती वैल्यू नहीं की. हाँ नहीं भाई पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह लॉज जो है ना वो बड़े हम बड़े अच्छे लोग हैं. हाँ अभी नो हमारे अपने लॉज भी हैं कुछ. हमारे लॉज और इन-लॉज में बड़े तगड़े हैं. नहीं नहीं मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र अल्लाह का इस उम्र के आखिरी हिस्से में आके अल्लाह बिल्कुल परवरदिगार ने बड़ा करम किया एक अच्छा जिंदगी का साथी दिया जो तमाम तर बेवकूफियों के साथ और वाहियात पने के साथ आपको एक्सेप्ट कर ले और आपके ऐबों पे पर्दा भी डाल दे. वो सही कहा है ना कि जो मियां बीवी होते हैं वो पर्दा हो. वाह वाह वाह. तो बस अल्लाह पाक बीवी को खुश रखे. बकौल यूसुफी साहब को अल्लाह पाक मेरी बीवी को सदा सुहागन रखे. आप इस पे क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं. नहीं भाभी पर्दा तो डालती है. देखिए आज भी उन्होंने पर्दा डाल के भेजा. मैं उधर कोट मेरे अली ने कोट डाल के भेजे तो क्या किया जरा तुसी कर रहे हो ओवरड्यू हुए हैं आप जरा छुपा के आए. इससे लग रहा है कि भाभी आपको जानती हैं. ऐसा वैसा आपकी सोच है. मैं वो मुझे भी मेरी बहुत सारी ज्यादा जानती है और वो उनको भी जानती है जिनको ये जानते हैं. अच्छा तो हम चलते हैं. डॉक्टर साहब वो निकाले ना जरा सवाल नामा एक. हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं. आपके पीछे कितनी हैं? काफी सारी. क्योंकि हर वो खातून जो इस वक्त मनकुहा नहीं है उन्होंने कुछ सिखाया है मुझे जरूर. आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? शायद लोगों को लगे मैं कबाड़िया. मेरे पास 1940 1922 1930 के रिकॉर्ड्स म्यूजिक रिकॉर्ड प्लेयर स्पूल टेप वो सब रखे हुए हैं. जिस ज़माने में अच्छे वक्त थे पाकिस्तान में जब रेडियो पाकिस्तान पे अंग्रेजी प्रोग्राम बाकायदा आया करते थे 1:30 बजे लिस्टर्स चॉइस और ये वो तो हम उसको टेप किया करते थे मेरे बड़े भाई. तो वो सारी रिकॉर्डिंग एडी कैरेपिएट हमारे एक होस्ट होते थे एडवर्ड कैरेपिएट और अनीता गुलाम अली किया करती थी. तो वो उसमें वो सारे आई विश के वो कोई तरीका हो कि वो सुनाया जाए कि हम आर्काइवल है वो है मेरे पास कि यार पाकिस्तान किस लेवल पे था माशाल्लाह हम उसको कहाँ ले आए. कोई वजह नहीं है कि हम दोबारा वहां आ सके क्योंकि हम वहीं थे ना. एब्सोल्यूट. हमने वो जगह छोड़ा हमने वो बहिश्ते आदम छोड़ के नीचे क्यों आ गए. हम दोबारा जा सकते हैं इंशाल्लाह. और मैं एक बात बताऊं आपको कि मुझे नई जनरेशन से बहुत उम्मीदें हैं. They are very focused. मेरे अपने बच्चे जवान हो गए वो बहुत फोकस्ड है मुझसे ज्यादा फोकस्ड है और ये सारे हमसे ज्यादा फोकस्ड है. हम तो एक डायरेक्शन नहीं है ना खालिद भाई. हम पता है हमें ख्वाब की दुनिया हमें ख्वाब में चल रहे थे ना. हमारे वालदैन ख्वाब लेके आए थे वो ख्वाब में जी रहे थे. My dad was in the British Army. I remember when he came here. So was your mother. She was also in the army. They served in the Second World War. तो मेरे अब्बा से किसी ने पूछा कि he was from South India, Madras. के कर्नल साहब आप कहाँ के हैं? He said, I'm from Pakistan. He said, नहीं नहीं पीछे से. He said, there's no पीछा now. There's only Pakistan. वाह वाह वाह. लड़की बनने का ऑप्शन है किस जैसी बनेंगे? दो तीन तो मैं भी बता सकता हूँ. नहीं मैं तो मैं मजाकन तो नहीं सीरियसली कहता हूँ अपनी बीवी से यार तुम लोग अजीबो अगर मैं लड़की होता तो मुझसे बड़ी कोई हराफा ना होता. हराफा इज अ बेहतरीन बात किया. हाँ बंदी होता ना मैं वो भी होता ना तब भी कोई फायदा नहीं होता. उस पर लोग शरीफ हो जाते पता है. नहीं नहीं होते होते हमने रोजा रखा दिन बड़े हो गए. कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? तारीफ हमेशा की. चांस मिले अपने आप को रिवाइंड कर सकते हैं या फास्ट फॉरवर्ड तो क्या करेंगे? फास्ट फॉरवर्ड. मर्दों में क्या खूबी देखते हैं? मर्दों में ऑनेस्टी शर्म आंखें नीची. जो औरत की इज्जत नहीं करता वो मर्द नहीं है. औरत की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा पसंद है आपको? औरत तो एक फूल है बहुत प्यारा अल्लाह ने बनाया माशाल्लाह. उसको आप ऐसे रखें कभी मुट्ठी ना बंद करें मुरझा जाएगा. आपकी किस पावर से दूसरे डरते हैं? आई थिंक मैं बिल्कुल. जिंदा होने के अलावा आप किसे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं? 60 साल से पहले वाली या 60 साल के बाद वाली? पूरी लाइफ. अच्छा पूरी लाइफ में. मैंने प्राइमरी स्कूल में जिंदा होना शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक जिंदा हूँ. यही अचीवमेंट है भैया.
हम चाहेंगे कि ब्रेक में हम आपके डॉक्टर का नंबर ले लें, तो कुछ लोगों की ख्वाहिश है। डॉक्टर को दवा मैं देता हूँ। उसी अतार के लौंडे को दवा देते हैं, देते नहीं है। चौंटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाएगा खाले भाई हमारे साथ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। आज हम सारे सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं। खालिद भाई ब्रेक पे बात कर रहे थे, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि नहीं आप उसको कैमरे पे बताएंगे। सो द प्रॉफिट्स एंड द मैसेंजर्स वर साइंटिस्ट इन देयर ओन फॉर्म, मेन ऑफ नॉलेज। रसूलुल्लाह की दुआ क्या थी, रब्बे ज़िदनी इल्म अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। ठीक है, हर पैगंबर एक इल्म के साथ आया था। आदम को क्यों फजीलत हुई, इल्म के चेहरे दिखा दिए, बोलो बताओ। फरिश्ते ने कहा हमें तो नहीं पता, हमें उतना ही पता है जितना तू बताता है। आदम ने कहा ये है। सो आपकी सुपीरियरिटी आपके इल्म पे, उसका इल्म का आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, क्या इल्म आपकी रगो रगों में दौड़ रहा कि नहीं दौड़ रहा। किताबें पढ़ने से इल्म नहीं आता, उस पर अमल करने से आता है। जनाबे यूनस जो मछली खा गई थी, वो पैगंबर थे, क्यों खाई थी, अल्लाह की उन्होंने अतात की थी, अल्लाह ने कहा था बंद आ गया। अल्लाह ने जब उनको निकाला तो हमारे आइम्मा ने फरमाया, इमाम ने, कि चूंकि अल्लाह ने कहा कि यूनस तुझे खाल जल रही है, कितना तुझे ख्याल है, तुझे मेरे बंदों पे तरस ना आया कि जब वो तकलीफ में होंगे अजाब आएगा। हम अपने लिए हिंदू काफिर मुस्लिम हम ये बने हुए हैं यार, शिया सुन्नी, अल्लाह की नज़र में हम बंदे हैं उसके। सो यू प्लीज राइज अबव दैट और उसमें खुशी मिलेगी। अच्छा बात सुने हाफिज साहब, आपका हलवा भी होता है? मैं नहीं, हलवा नहीं होता। हाफिज ना बोलो यार, वो पकड़ा जाऊंगा, तुम भी पकड़ा जाओगे। नहीं हम बने, मैं तो मुल्तान, हम जब मुल्तान गए नहीं, हाफिज तो वो है सोहन हलवे वाले मुल्तान के, वो भी मुल्तान के ही है। मेरी जिन मेरी जान, हाँ वो भी मुल्तान। अच्छा हम रिमाइंड प्ले करते हैं तो मौलाना साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो थिएट्रिकल एक लाइफ आपकी थी, ये चीज मेरे अजीज और गजनफर अली साहब की जर्नी, मैं असफर हमने तो वो टाइम देखा हुआ, आप हमारे गुरु महाराज हुआ करते थे, उस्ताद हुआ करते थे, रास्ता दिखाने वाले हुआ करते थे, बताने वालों में से कैसे बताने वालों में से बचाने वालों में से। तो वो वापस जरा लेट्स गो टू थिएटर टाइम। खालिद हमने 80s में शुरू किया था, जब हम यूनिवर्सिटी में इस्माइल वाला यूनिवर्सिटी में थे, जर्नलिज्म किया हम यूनिवर्सिटी में थे, जब जियाउल हक का आर्मी एक्शन हुआ एंड यू वर वेरी अपसेट अबाउट इट, और फिर रेड होता है यूनिवर्सिटी में, जी हमें एक मोटरसाइकिल पे आपने कितनी लड़कियां बिठाई थी, वो बात क्या सुना है? एक बत्ती पे बैठी थी, मैंने कहा क्या तू चिपक के बैठ जाओगी तो निकाह तो नहीं हो जाएगा, तुम आगे होके बैठो, दूसरों को जगह दे दो। अरे जो सबसे कम कबूल सूरत थी वही पीछे बैठी हुई थी, अच्छी वाली साथ बैठी, तुम्हें क्या तकलीफ। वो बाकियों को सुना देना, वो इनको भी तो पता चलेगा। नहीं नहीं, वो जब एक्चुअली देयर वर बैड टाइम्स, भुट्टो साहब की हुकूमत 70s, लेट 70s, आई एम टॉकिंग अबाउट 77, जब मार्शल लॉ आ गया, मार्शल लॉ आ गया कराची यूनिवर्सिटी में, उससे उसी वक्त हाफिज असलम को मारा गया, टीपू आया था, उसने बाद में प्लेन हाईजैक किया, अल-ज़ुल्फ़िकार वाला दोस्त था हमारा, हबीब पब्लिक में पढ़ा करता था, उसने आके वो गोली मारी थी हाफिज असलम को, शूट किया था, और उसने हाथ पे रिमेम्बर दो लाल रुमाल बांधे हुए थे, जिए भुट्टो के नारे मारे थे, और शूट करके चला गया, उसके ऊपर आर्मी एक्शन हुआ था। दो वो बन गए थे महाज, मस्जिद में जमात इस्लामी के लोग जमा हो गए थे, और स्टैट्स डिपार्टमेंट में पानी की टंकी है उसके ऊपर प्रोग्रेसिव वाले सारे जमा हो गए थे। हमारे पास नॉर्मल गन्स थी, इनके पास मशीन गन्स थी, तो वो बाकायदा एक वॉर जोन बन गया था। तो उसमें जब ये हुआ, जब आर्मी एक्शन हुआ, आउट ऑफ द ब्लू इट जस्ट हैपेंड, रबर बुलेट्स, टियर गैस, तो हम तो उस वक्त आर्ट्स लॉबी के पास गाने शाने गा रहे थे, एकदम धुआं आया शुरू में, तो समझे शायद बरसात का मौसम आ गया, रोमांटिक, फिर आंखें जलनी शुरू में, कहते नहीं यार दिस इज सीरियस। व्हाट दे डिड, जो उन्होंने सबसे बड़ा फोपा किया फौजियों ने और पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास टिप ऑफ है कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां पे आपने टेररिस्ट छुपाए थे, अल-ज़ुल्फ़िकार, हम वहां, एंड दे जस्ट बार्ज इनटू द हॉस्टल। वो दैट वाज उस वक्त गैरतें जिंदा थी और आज भी हैं बहुत सारे लोगों की, औरतों पे हाथ आप नहीं डाल सकते। हम गए, हमने हॉस्टल से लड़कियों को निकाला, होल हम बाइक्स पे थे, एंड देन वी टुक द गर्ल्स आउट, हमने जुबली गेट से बाहर, फिर उनको बाहर निकाला, और हमने पुलिस वालों ने कहा तो टांगे तोड़ देंगे, वो सुना उन्होंने पीछे हट गए, उन्होंने कहा अच्छा आप ले जाए, खबरदार औरतों को हाथ नहीं लगाना।
उस जमाने में बुर्का पहन के निकलने का रिवाज नहीं था, तो वो एक्चुअल लड़कियां आप एक्चुअली वो बगैर बुरके के थी, तो पहले सब खुला होता था। अच्छा नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं वो समझा, मैं आपने वो बॉयज तो नहीं निकाले ना, लाल मोजे वाला बुरका नहीं। हाँ मैं वो एग्जैक्टली, तो वो नहीं, बॉयज तो खुद, वो फ्रेटर्निटी इतनी अच्छी होती है स्टूडेंट्स की कि किसी ने कोई रिगार्डलेस ऑफ एवरी जमीयत भी थी एपीएम, लेकिन फिर ये जो आपकी जामी से मोहब्बत थी वो क्या था? किससे? जामी जो डायरेक्टर है। जामी से जो मोहब्बत थी वो ये थी कि वो बाद में हुई थी। हाँ जामी से मोहब्बत जब ये हमने सुना कि ऐसा हुआ, हाँ जामी ने अपनी मूवी में इनका वो गाना पीरा हो जो है, हाँ, वो लगा के कहीं यूज हुआ है। हाँ लेकिन मैंने सिर्फ ये देखा था, जब मैंने उसका टाइटल देखा उसमें लिखा था म्यूजिक बाय स्ट्रिंग्स एंड लिरिक्स बाय अनवर मकसूद, तो मैंने सिर्फ उस पर ये नीचे लिख दिया था कि दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू नो कि ऐसा झूठ बोला जाएगा। इतना जामी कॉल्ड मी सेड के खालिद भाई प्रॉमिस मुझे नहीं पता था इसका, आई नेवर नो अबाउट इट, और मैंने क्योंकि मैं कहा देखो तुम्हें अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर दिया, अनवर मकसूद ने नहीं लिखा और म्यूजिक स्ट्रिंग्स का नहीं। फिर वो अखबारों ने उठा लिया, वो यहाँ तक घरों में झगड़े चले गए और वो बहुत बढ़ गई थी बात। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम के मुझे फैसल ने फ़ोन किया, कपाड़िया ने, देखा खालिद भाई गलती हो गई, आप बताएं क्या करें। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं करना, कुछ मुझे एक पाई भी नहीं चाहिए, आप कहें कि साई अख्तर हुसैन का गाना जो खालिद अनम ने गाया था, हमने खालिद अनम की कॉम्पोजिशन में ये साई अख्तर हुसैन का गाया हुआ गाना, मैंने कहा इतना लिखना होता है। That's it. और मैंने कहा अनवर मकसूद बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम से गलत चीज़ ना ऐड करो। Absolutely. और अनवर भाई ने मुझे कहा कि बेटा मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये उनका पीछा है। अनवर भाई के साथ अक्सर ऐसे होता है, उनको बाद में पता चलता है, कहते हैं मुझे तो पता था। हालांकि वो कर चुके होते हैं, वो कई दफा उनको नहीं पता। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, मैं पूछेंगे ये किसने किया था, लेकिन ये जो लेगेसी ऑफ पीरा हो है, डॉक्टर साहब उसके बहुत बड़े फैन थे, गाड़ी में हम बात कर रहे थे, आपने उस गाने को क्या कहते हैं, आपने उसके मुकाम पर ले जाके अपनी भी इंडोर्समेंट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी ये कैसे हुआ था खालिद? देखिए क्रेडिट गोज टू गज़नफर अली। मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, हम अक्सर बात करते हैं गज़नफर साहब को, हम मैं तो बहुत क्लैप देना चाहूंगा कि जितनी सर्विस मीडिया की पाकिस्तान में गज़नफर अली ने की है शायद ही किसी स्टेशन ने किसी आदमी ने इंडिविजुअली किया। एब्सोल्युटली खालिद भाई, इतनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है कि दोनों लड़कियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपसे सवाल पूछना चाह रही है, पूछो। नहीं मैं सुन रही हूँ बहुत गौर से। अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे मैं अभी सही करता हूँ, तलत मोहसिन तलत तंग तो नहीं करता आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करता? यार उसको मैंने बताया कि ऐसे करते हैं, उन्होंने नहीं तंग किया। यहाँ ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि खालिद भाई के अंदर की दूसरी जो साइड है ना वो बाहर आने वाली, छोटी सी ब्रेक है, मत जाइएगा बिल भी भाई। ये तो जी भाई तंग नहीं करता। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस कमरे में कुछ लोग लाल हाथों के साथ, कुछ लाल मोजों के नहीं साथ। यार वो बेसबॉल है ना, रेड सॉक्स टीम जो है, हाँ आप लोग दोनों मेंबर नहीं हो? हाँ, नहीं वो एसयूएक्स वाली सॉक्स का मेंबर है, मैं एसओसीकेएस वाली सॉक्स का मेंबर हूँ। जिंदगी लाइफ समटाइम्स सक्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ अस। अरे भी जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाए, अच्छा होता है, अच्छा होता है। अच्छा नहीं लाइफ कह रहे हो? हाँ लाइफ। हाँ तो बाहर कैसे निकलना है? कुछ नहीं, गुजर जाएगा वो, एक दिन है। हाँ अगले दिन there's another day. Is it? और क्या? But then how do you you got to change your scenario ना? मैंने कहा ना direction, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप अपने वो जो घोड़े वाले आपने पट्टे पहने वो उतरवा दीजिए। अच्छा खाली भाई, कुछ लोग हैं उनको पड़ोस में मोहब्बत हो जाती है लेकिन वो इजहार नहीं कर पाते और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता। अच्छा चले, ये सिचुएशन आपने देनी है क्योंकि आप थिएटर करते रहे, ये दो, ये मुसफा थिएटर करता रहा है और इसने ज़ारा ने फिल्म में नाम बनाना है, इनको कोई सिचुएशन दीजिए ना। अच्छा ये दोनों कायद आजम के मजार पे बैठे हुए थे और पीछे वहाँ पे चौकीदार आ गया और उसने आते बोला है क्यों हो रहा है, अब आप सिचुएशन दे ये कैसे क्या करेंगे। अच्छा उस पर ये हुआ कि टाइम वो अकेला है चौकीदार, आप लोग भी अकेले हैं, उसके साथ गार्ड्स हैं सारे पड़े हुए और वो, ये वो जमाना है क्या आजकल, वो फिर आ गया, वो कह रहा क्या, अच्छा कौन हो तुम लोग, अलग अलग ले गया, अलग अलग सवाल जवाब हो रहे। हाँ भाई पुलिस वाले अलग सवाल करने, ये पुलिस वाले। हाँ और आप पुलिस वाले ना, आप इसको ले गया लेता लड़की को भी, इनकी एक कोऑर्डिनेशन देखते हैं आप कैसे तोड़ते हैं, या अगर घर से होमवर्क करके आए होंगे तो फंस जाएंगे। सर मैं तो गर्ल्स हॉस्टल से बचा रहा था इसको,
इतना तू खालिद अनम। हालात भी वो नहीं है और उनकी तो बर्फ पिघल गई थी, तेरी बर्फ भी नहीं पिघलेगी। सर मैं चाह रहा था इसके साथ वो सीन बनाऊं, मैं गजनफर अली हूँ, ये शोएब मंसूर है। अच्छा, लाइटें कहाँ पड़ी हुई है? जेब में। कितने अरसे से जानते हो उसको? नहीं ये साथ नहीं है, ये साथ नहीं है। अच्छा, आप गेले हैं 6 मिनट। इतना पुराना याराना है। 3 मिनट की डील बना रहे हो क्या? आधा आधा कर लेते। चलो ठीक है, अब लड़की आ गई। अब लड़की आई, लड़की से सवाल। हाँ भाई, क्या लगता है ये भाई है? जानती नहीं। जानती नहीं हो तो ये जो कुछ हो रहा था क्या हो रहा था? ये अननोन आदमी से हो रहा था। नहीं, आपने देखा क्या एग्जैक्टली? आपने क्या देखा एग्जैक्टली? ये मैंने सोचा है, ये मुझसे रास्ता पूछ रहे थे। ये सब कुछ हो जाता, ये रास्ता पूछ रहे थे मुझसे। तो आप बाहर निकलने का रास्ता बताने का कौन सा तरीका? मैं तो आप बता रही थी कि आप यहाँ से राइट चले जाएं फिर लेफ्ट चले जाएं। आप कह रही थी मैं रोज रास्ता पूछने आऊंगा आपसे। नहीं, मैं हर किसी को नहीं बता रही। This kid has studied theater in New York and he's done theater in New York. Yeah, yeah, फिर इसको deport कर दिया गया, कुछ ऐसे काम हुए वहाँ। ज़्यादा theater कर दिया। ज़्यादा रास्ता पूछ लिया था। आज वो रामकुमार से घूम रहा था। खाले भाई के अंदर का वो नोटी बच्चा अभी तक है। बिल्कुल। शरारतें करता। हाँ। लोगों को तंग करता। बिल्कुल। आज वो, अब वो सवाल मैं रीफ्रेज करता हूँ, उनमें जदू खातून देख दो पहली चीज की नोटिस कर दो। Depends on whether she's coming or going. हमारे मुआशरे में तो खातून जब जा रही हो तो रिस्पेक्ट, इज्जत। नहीं तो हम बहुत इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं, सलूट। लूट हेल हिटलर होता है। अच्छा फिर ठीक। खाले भाई वो डॉक्टर साहब के सवालों में से कुछ रह गया था। डॉक्टर साहब का सवाल था कि अगर उधेड़ उम्री में मोहब्बत हो जाए तो पैगाम किस तरह पहुँचाया जाए? मोहब्बत लाजिम है हर उम्र में, हर रोज होनी चाहिए। जोश साहब से किसी ने पूछा था मोहब्बत के बारे में, उन्होंने कहा था देखो इश्क जो है एक बहुत छतनार दरख्त होता है। वाह वाह वाह। और मोहब्बत एक परिंदा है, वो कभी एक टहनी पे बैठता है, कभी एक टहनी पे बैठता है, कभी एक टहनी पे बैठता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहें कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे जवान हो गए। मैं हमें तो होती है मोहब्बत, अब भी होती है, करते हैं। बता दें कैसे? नहीं कैसे, क्या डायरेक्ट बोलते यार। इमेजिन कीजिए बोलना है उसको, पड़ गया अब मोहसिन नहीं है। देखो नहीं, असल में क्या मेरा एक और अच्छी आदत, क्या लो या बुरी आदत, मैं जो रिश्ता बनाता हूँ उसको मरते दम तक निभाता। अब वो बेटी है तो वो बेटी रहेगी, ठीक है ना। कोई बहुत हसीन लड़की भी मिलती है, मेरा दिल चाहता है। कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है कहाँ? वो एक लड़की है, उसने मुझे कहा कि आपकी शक्ल मेरे मामू से मिलती है। मैंने कहा बेटा मैं मरता मर जाऊंगा, मामू हूँ तुम्हारा। आज तक मैं उसका मामू, उसके बच्चे मुझे नाना बोलते हैं और मैं मामू निभाता हूँ। रिश्ता निभाएं, मोहब्बत हो गई तो इससे पहले कि वो आपको मामू बोले आप जानू बोल दें। और अगर उसने भी जानू बोल दिया तो फिर तो बेहतरीन काम है और क्या। हाँ? फिर आपको जब आप कायदे आजम का मजार की सैर करवा दें, फिर उसी अतार के लौंडे का नंबर कौन ढूंढेगा? अतार का तो लौंडा तो हमारी जेब में होता। अतार और लौंडा। अच्छा ये बताएं, हमारा एक सेगमेंट है खलबे बस कर, उसमें वेयर यू टेल पीपल के यार बस कर, उन साड़ी जान छड़ दे। कोई इतने लोगों के साथ अभी रिसेंटली आप, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी एक्टिंग बहुत बढ़ गई हुई है, आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी हैं, तुम इतने सारे लोगों के साथ काम करते हैं, बुलबुले में मेरे साथ वाला सीन निकाल के कौन सा एक्टर है जिसको कहेंगे बस कर दे, एक आगे तेरे बस दे कम नहीं है? ऐसे बहुत आते हैं। नाम लीजिए ना। मैं एक चीज बताऊं, काजी वाजिद साहब अल्लाह बख्शे बेहतरीन आदमी थे। वो एक जो लॉट थी ना, सुभानी बा यूनुस, महमूद अली, काजी वाजिद, तलत हुसैन, अल्लाह सबको सेहत दे, तो ये वो लोग थे जिन्होंने खुदाई करके वो इमारतें बनाई, सींचा है उसको, बड़ा किया है, एंड दे लर्नड एज दे ग्रो। मैं सिर्फ ये आजकल के बच्चों को सिर्फ ये कहता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन ये मत समझो कि तुम्हें आ गया है। ये जब तुम समझ लेते हो ना कि मैं जानता हूँ, फिर तुम वो दैट मीन ये कह देना कि बस हो गया, मीन्स यू आर डेड। बस कर किनू कह रहे हो? सानू कुमाओ नहीं, बस कर। मैं वो उन तमाम लोगों को काजी वाजी की मिसाल दे रहा था, वो कहते थे कि इंसान को जो नए बच्चे आ रहे हैं अपने आप को एक वक्त देना चाहिए, 6 महीने, साल, 3 साल, कि यार इसमें अगर मैं कर गया काम तो ठीक है वरना मैं छोड़ दूंगा ये। अच्छा खातून कोई ऐसी जिसको आप कह रहे हैं? खातून बस ठीक है यार, बहुत सारी बिचारी, देखो औरत मासूम होती है यार। अच्छा। अगर वो वक्त बिचारी ऐसी भी होती है जो सिंगर, कोई नहीं जानता। सिंगर, सिंगर अभी तो हालात वो हो गए, सिंगर बहुत कम बचे। किसी एक को बस कर कह देना,
बस कर चलो तुम्हारे फेवरेट पे आ जाना मेरा मेरा तुम्हारा फेवरेट पॉलिटिशियन बस करने वास्ते सारे पॉलिटिशियन में कह रहा सारे बस कर दो सारी जान छोड़ो खुदा दे बात ये तो मिनसुल कौम हम चाहते लेकिन होता नहीं है क्यों बस बस कर दे नवाज शरीफ बस कर दे शहबाज शरीफ बस कर दे मरियम औरंगजेब बस कर दे रता तारड़ बस कर दे पता हंसी आती है कि यार ये क्या कर रहे हो यार आदमी को अपनी इज्जत होनी चाहिए जब वो कुछ बोल रहा होता है इवन फॉर दैट मैटर ज़िप इट इमरान खान आप चुप हो जाएं वोट डालते हुए मैनिफेस्टो पढ़ते हैं नहीं तो ऐसी बस वो जिससे अकीदा प्यार मोहब्बत हो गया जिससे बस जिसको सब जा रहे होते हैं हम क्या जिसको ये लगता है देखो एक चीज जरूर मैं कहता हूँ इनको आजमा लिया इसको नहीं आजमाया यार चलो देख लेते हैं इसको भी रख लेते हैं देखते हैं क्या होता है नहीं वो फिर दो करके छोड़ देता है ना छोड़ दिया तो ठीक है फिर अगले बारी किसी और अगले एक बारी और मैं सोचा मैं वोट ही नहीं देना अच्छा दसो फिल्मा ते आ जाओ वापस हाँ तुम्हारी फेवरेट फिल्म जी लास्ट देखी थी फिल्में हमने असल में अपने घर में एक वो एक हमारा एक रिचुअल है मैं और मेरी बीवी रोज रात को एक कोई ना कोई मूवी देखते हैं या शो देखते हैं और बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं हम पूरे दिन की एक वो हमने रखी हुई है क्या ये हुआ मेरे साथ ये हुआ वो लास्ट भी एक लास्ट बैठक हमारे कमरे में जमती है सो वो जरूरी है और वो उसको लोग कहते हैं यार तुम्हारे बच्चे बड़ी बात सुनते बनाना पड़ता है ट्रू आपको आप जो देंगे वो मिलेगा आपने बच्चे की केयर की नहीं मेड के हवाले कर दिया उसने आगे मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे को मुंह में निवाले डाले मेड ने मोबाइल पकड़ा दिया और मुंह में निवाले भी डाले हाँ ये मेड कहाँ मिलती है खाली ये मेड मिलती है मेड इन जापान ठीक है ना हाँ सो वालदेन जो अब वक्त नहीं देते फिर जब बच्चा बड़ा होता है कह रहे हमें टाइम ही नहीं दे रहा मुझे उन वालदेन से शिकायत भी है और बहुत ज्यादा ये कहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता अरे क्यों नहीं सुनता बिल्कुल ठीक है वेरी वेल सेड यहाँ पर छोटी सी ब्रेक कहीं मत जाइएगा वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस शो वी हैव एवर डन सो स्टे विद अस ब्लेस यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट और कटहरे में हमारे साथ मौजूद हैं नॉमिनेटेड मुलजिम जनाब खालिद अनम साहब खालिद भाई आप हाथ उठा के ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे वहाँ खड़ा रहेंगे और ये आपके वकील सफाई हैं इनका काम है आप कुछ भी करें ये सिर्फ सफाई करें अच्छा जी मैं ओथ लेता हूँ कि मैं जो कहूँगा हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा सच कहने की और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा सर शुरू किया जाए जी शुरू करें जी आप पर इल्जाम है आप नौजवान बंदे हैं लेकिन आपने बूढ़े का गेटअप लोगों से इज्जत करवाने के लिए बनाया हुआ है हाँ सही है ये बात दुरुस्त है वकील साहब सही कहा मैंने बिल्कुल सही कहा सर आप पर इल्जाम है आपसे कुछ भी करवा लो आप हर काम कर लेते हैं नहीं ये क्या मतलब वैसे भी नहीं है ठीक है मतलब दोस्तियां होती हैं इंडस्ट्री में सबसे लेकिन नहीं आपका क्योंकि रिकॉर्ड ठीक नहीं है आपकी अम्मी बताती है वो लड़का को बिस्तर लग गया था गिर गया था वो मैं इस वक्त मुलजिम आप अच्छा ठीक नहीं तो मुलजिम मी लाड मैं मेरा हक है ये लाड ये है अच्छा, मी आप मी आप है नहीं, मी लाड लाड हाँ। और ये लाड वाले नहीं, नहीं कुछ भी करवा लो हाँ देख ले डिपेंड कर मुनासिब कर लो कुछ हाँ कहते हैं दोस्त एक बार बीवी बन जाए फिर वो बीवी से दोबारा दोस्त नहीं बन सकते नहीं नहीं गलत है बिल्कुल दोस्त बीवी दोस्ती को बीवी बनाए कोशिश करें और दोस्ती को शौहर बनाए और लेकिन पहले दफा जो जिसे कहते हैं ना गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल वो ना करें उसको पहले बता दें आपके भाई तुम दोस्त ही रहना वाह ना आप हमेशा कहते हैं मैं बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ इससे मुराद आपके अपने बच्चे होता है नहीं पूरी कौम के बच्चे दुनिया के बच्चे इंसान के बच्चे हम जब देखें आप हम भी छोटे थे मिलोट हम जब छोटे थे बच्चों के लिए कितना काम होता था बल्कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो बच्चों के लिए भी काम किए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो जारी है आप पर इल्जाम है दुनिया लैपटॉप और मोबाइल की तरफ जा रही है आप उसे वापस किताब की तरफ ला रहे हैं बिल्कुल लाजिम है जो नई किताब की स्मेल है उसका खोलना उसका पढ़ना वो दुनिया ही और है आप मिलोट से पूछिए जवानी में लड़कियां आपके घर मर्दाना आवाज में कॉल किया करती थी आजकल भी सुना है इसी आवाज में अननोन नंबर से कॉलें आती हैं अब उनके गला बैठ गया है वो आवाज वैसी हो गई उनकी तरस गए जनाना आवाज सुनने को हमारे कोई नंबर है तो दें हाँ आप ये यस थैंक यू देखिए ये होता है वकील तो कराएं आप अननोन नंबर खुद ही दिया जाता है वो आ जाता है अच्छा उनकी कॉल आ जाए हमारे यहाँ कॉपी राइट सब मानते हैं यानी कॉपी करना अपना राइट मानते हैं आप भी ये मानते हैं नहीं कॉपी राइट हक है उसका जिसने ये लिखा है और उसको हमें वो रॉयल्टी देनी लाजमी है हमें
प्रॉब्लम ये हो गई है मुल्क में, हम मुफ्ता खाने के बड़े आदि हो गए। इन्होंने जो कुछ लिखा है वो इनको इसका हक मिलना चाहिए। आप पर इल्जाम है आप पहले कॉमेडी किया करते थे, अब आप जो करते हैं उसे कॉमेडी कहते हैं? नहीं, जैसा डायरेक्टर होता है, आई एम अ डायरेक्टर एक्टर, मैं किसी से बहस नहीं करता उसकी, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कोई आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ हो रही तब सजेशन दे देता हूँ कि भाई मेरे ख्याल से, तो वो फिर कर लेते। उसी से अगला सवाल है कि आप बुलबुले में भी काम करते हैं, कभी उसमें एक्टिंग करने का मौका मिला? नहीं, उसमें हंसता बड़ा हंसी हंसी जाते और हंसी हंसी आते। वाह। एक दफा मैंने एक्टिंग की थी, बड़ा मुझे मुश्किल हो गया था जब वो उसका लड़की का भाई एक आया था लाहौर से, उसमें बन के बदमाश था वो। वो तो अभी भी बदमाश है लेकिन वकीले इस्तखासा है इस वक्त। अच्छा। आप पर इल्जाम है जब आपको ड्रामे की जरूरत थी आपने मयारी काम किया, जब ड्रामे को आपकी जरूरत थी है और रहेगी तो आपको जो मिलता है कर देते हैं। दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, वाह। आप पर इल्जाम है आपने गिटार बजाना इसलिए शुरू किया कि लड़कियों को गिटार बजाते हुए नौजवान बहुत मुतासर करते थे। नहीं, उस वक्त मैंने तो प्राइमरी स्कूल में शुरू किया था, मुझे गिटार की आवाज़ जब मैं उसके तार छेड़ता था झन मेरा पूरी बॉडी झनझनाती थी। और गिटार के, वाह, गिटार की पता नहीं कुछ होती होगी, बट लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड इन माई 9th क्लास दैट लड़कियां भी पसंद करती हैं। उधर भी झुरझुरी आ रही है। हाँ, झुरझुरी आई। आप पर इल्जाम है आपने बच्चों के लिए बड़ा काम किया, मगर जब आपके बच्चे बड़े हुए आपने बड़ों के लिए काम शुरू कर दिया? नहीं, उनके लिए भी किया। बच्चे मेरे दोनों म्यूजिशियंस हैं, इन देयर ओन राइट, एक स्टूडियो रन करता है, गाना गाता है, क्लासिकल सीख रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि फनून लतीफा में दोनों हैं और जब तक वो इससे जुड़े रहेंगे वो इंसान के बच्चे रहेंगे। वाह 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 वाह। आज के दौर में जब इंस्टा के फॉलोअर्स देख के बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस को अवार्ड दिए जाते हैं, क्या वहाँ मयारी ड्रामा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, दिन भी होता है दुनिया में, रात भी होती है, रोशनी भी होती है, अंधेरा भी होता है, आपने किसका साथ देना है। आप एक तरफ हो जाएं, आप अपने स्टैंड स्टांस पे खड़े रहें, कोई हर्ज नहीं है। मैंने रोशनी का साथ देना है इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। योर ऑनर, माय द केस रेस्ट विद यू नाउ। आप अकेले रोशनी की तरफ नहीं जा सकते, मैं आपको अंधेरे के हवाले करके। अच्छा। यहाँ पे तो सिर्फ नूर ही नूर है मेरे चेहरे पर। वो सैयद नूर साहब, अदालत ने बहुत तफसील से कटहरे से पहले और कटहरे के बाद खालिद अनम साहब की बातें सुनी, और ये जितने क्रिएटिव और जितनी पॉजिटिविटी वाले हैं, दिल तो करता है कि इनको जेल भेजा जाए ताकि वहाँ के लोग भी सुधरें, लेकिन अदालत जो है इनको एक शर्त पे जमानत पे रिहा कर सकती है, अगर वो अदालत को अपना गाना पीरा हो सुनाए। आए, आए, मैं आए। अपने वकील सफाई से मशवरा चाहूंगा, आप क्या समझ? सर गाल है सर, फीस तो आपने मुझे देनी नहीं है तो चले। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी। मेरे हाथ गरीदियां ठूठियां, मेरे हाथ गरीदियां ठूठियां, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियां, शाना वाले आ पीरा हो दाची दे गल विच टलियां, मैं पीर मनावण चलियां, लाला वाले आ पीरा हो Bus.